हैप्पी धनतेरस फ्रेंड्स। धनतेरस पे आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगा। अगर आपने हिंदू माइथोलॉजी पढ़ी हो तो शायद आपको ध्यान होगा, काफ़ी सालों पहले असुरों ने मिलके समुद्र मंथन किया था, और उसी समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी अमृत का घड़ा लेकर। और शायद एक मनुष्य के मस्तिष्क में चलने वाले विचार ही वो असुर और सुर हैं जिनके बीच में हमेशा मंथन होता रहता है। और जो अमृत निकलता है वो हम ज़्यादातर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज का दिन धनतेरस काफ़ी शुभ माना जाता है सोने और चांदी के सिक्कों के लिए, और मैं इस व्यवसाय से हूँ इसीलिए मैं आपसे नहीं अनुरोध करूँगा। हाँ, बहरहाल ये ज़रूर कहूँगा कि एक बहुत ही अच्छा दिन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप उन चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो आपको, भले वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो लेकिन वो प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म दे। जैसे कि आजकल खाने में बहुत टॉक्सिसिटी है, पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स नहीं जाते हैं, तो किसी अच्छे सप्लीमेंट में इन्वेस्ट करें। अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ समय बिताने के लिए इन्वेस्ट करें, अपने परिवार के साथ हॉलीडे में इन्वेस्ट करें कुछ अच्छा समय बताने के लिए, अपने बच्चों की कुछ अच्छी हॉबी में इन्वेस्ट करें, कुछ अच्छी किताबों में इन्वेस्ट करें। ये वो इन्वेस्टमेंट हैं जो आपके मन के विकार को, आपके अंदर पैदा होने वाले तनाव को, आपके मानसिक जहर को कम करेंगी। और एक बात ध्यान रहे, हम काफ़ी लोग ज्योतिष में मानते हैं, एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, और ग्रह दशा देखते हैं, समय काल देखते हैं, चौघड़िया देखते हैं कुछ अच्छा काम शुरू करने के लिए। याद रहे, प्रफुल्लित मन से जो भी काम शुरू होता है वो हमेशा सफल रहता है। तो मन को प्रफुल्लित रखने के लिए वो इन्वेस्टमेंट करें जिसके लिए ना सोने की ज़रूरत है, ना चांदी की ज़रूरत है, ना नए मोबाइल की ज़रूरत है, शायद मोबाइल फेंक देने की ज़रूरत है, और किसी का दुख कम करने की इन्वेस्टमेंट करें। अभी काफ़ी मंदी है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि किसी को धन दीजिए लोन पे और उसका दुख अपने सर ले लीजिए, नहीं, आपको दुख नहीं लेना है। आपके पास जो पूंजी है उसमें से कुछ पूंजी अच्छे काम करके इन्वेस्ट कीजिए, दैट इज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। एंड आई होप कि आपका ये पूरा साल सफल रहे, आपकी इन्वेस्टमेंट्स अच्छी रहें, और आप जिंदगी में खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स, थैंक यू।